हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी डेयरी फ्री मिल्क की रेसिपी, और उसी मिल्क से हम दही भी जमाएंगे। आज बनाएंगे पीनट मिल्क और पीनट कर्ड। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद बताऊंगी कि इस पीनट मिल्क को और कर्ड को कब खा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 कप रॉ पीनट्स यानी कि कच्ची मूंगफली, बिना छिलके के है। आप छिलके वाली भी ले सकते हैं। अगर आप छिलके वाली ले रहे हैं तो लाइट कलर वाली जो छिलका होता है वही पीनट्स यूज़ करें। 4 घंटे के लिए पीनट्स को भिगो कर रखेंगे। तो मैंने ये भिगो कर रखी हुई है, और भिगोने के बाद ये ऐसी फूल जाएगी। अब इस पानी को निकाल दें और पीनट्स को मिक्सर में बिना पानी डाले पहले पीस लेंगे। ये देखिए पीनट्स पीस गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी पीस लेंगे। इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पीसेंगे अच्छे से। 1 कप पीनट्स के लिए 700 ml पानी डालना है, और ये पानी भी आप पूरा एक ही बार में नहीं डालेंगे, हाफ करके डालेंगे। और ये देखिए मैंने पीनट को अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें कोई भी पीनट का दाना नहीं है, हमें दूध को पतला करना है, तो मैं इसे बड़े जार में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने शिफ्ट कर दिया है, और पीनट के मिल्क को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए पीनट मिल्क रेडी है। 1 कप पीनट्स में मैंने 700 ml पानी डाला, क्योंकि हमें दूध निकालना था। 1 कप पीनट्स और 700 ml पानी में 1 लीटर दूध निकला है। इसे मैं बॉटल में निकाल के दिखाती हूँ। इस दूध को आप ऐसे ही पी सकते हैं, या फिर इस दूध के साथ आप फ्रूट शेक भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी और रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। और आज हम इसी दूध से दही भी जमाएंगे, और उसके लिए हम दूध को बॉईल करेंगे। तो ये बॉईल करने के लिए मैंने दूध को रख दिया है। अब हल्की आंच पर इसे बॉईल करेंगे, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें, जिससे कि नीचे लगे ना। अब जब दूध अच्छा गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे फ्लेम को बढ़ा के दूध को बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब दूध को लिक्वॉर्म होने देंगे, यानी कि हल्का गुनगुना करेंगे, जैसे कि आप डेयरी वाला दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म करते हैं। दूध हल्का गर्म है, अब दही जमाने के लिए इसे बर्तन में निकाल दें। मैं यहाँ पर दही मिट्टी के बर्तन में जमा रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में दही को जमा सकते हैं। जब आप डेयरी वाला दही जमाते हैं तो आपको खट्टे की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास खट्टा तो नहीं है, तो हम दही जमाने के लिए यूज़ करेंगे हरी मिर्च के ये क्राउन। आप सोच रहे होंगे कि दही एक हरी मिर्च के क्राउन के साथ कैसे जमेगी, तो मैं आपको बता दूं कि हरी मिर्च का जो क्राउन है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और उसी बैक्टीरिया से ये दही जमेगी। तो मैंने मिर्ची को अच्छे से धो लिया है। अब हरी मिर्च के ये क्राउन तोड़ लें और ऐसे ही डाल दें। आपको ये क्राउन पहले से ही तोड़कर नहीं रखने हैं, फ्रेश ही तोड़ने हैं।
अब इसे कवर कर दें, चाहे तो गर्म कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। बस इसे अब किसी साफ गर्म जगह पर रख दें, या आप इसे माइक्रोवेव में रख दें या फिर माइक्रोवेव ओवन में रख दें और 24 घंटे बाद दही को चेक करेंगे। इससे पहले दही को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दही कैसे जमी है। तो 24 घंटे हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ पीनट की दही कैसी जमी है। और ये देखिए पीनट की दही कितनी थिक और कितनी अच्छी जमी है। पहली बार जब आप इस तरह से दही जमाएंगे तो आपको पीनट का थोड़ा टेस्ट आएगा, लेकिन जब आप इसे 5-6 बार जमाएंगे तो आपको पीनट का जो टेस्ट है वो काफ़ी कम लगेगा और हो सकता है कि लगे भी ना। अब दूसरी बार दही जमाने के लिए आपको फिर से इस क्राउन की ज़रूरत नहीं है। आप इसी दही में से 5 या 6 बड़े चम्मच दही जमाने के लिए निकाल के रख लें। जब आप दोबारा दही जमाने लगेंगे तो आप 5-6 चम्मच बॉईल किए हुए पीनट दूध में डाल दें, उसे मिक्स कर लें अच्छे से और फिर इसी तरह आप दही जमा लें। तो ये थी पीनट से दूध और दही बनाने की रेसिपी। इस दही से आप रायता भी बना सकते हैं, प्लेन दही भी खा सकते हैं, कोई चाट भी बना सकते हैं। पीनट की ये दही बहुत ही हेल्दी है। अगर आप अपना हेल्दी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ये दही खाएं, बहुत ही अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। और इस दही को आप एक्सेस में भी ना लें, एक बैलेंस डाइट के जैसे लें, तभी आपको इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। ये दही आप ग्रोइंग चिल्ड्रंस को भी दे सकते हो और पीनट की इस दही से आप कढ़ी भी बना सकते हो। इसकी पर सर्विंग में 921 कैलोरीज होती हैं, 170 ग्राम में 63 ग्राम फैट होता है, 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। पीनट मिल्क या पीनट दही जैसा कि मैंने कहा बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन आप इसे डेली कंज्यूम ना करें, इसे मॉडरेशन में ही लें। पीनट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कॉपर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, सिलेनियम भी होता है, जिंक भी होता है और कैल्शियम भी होता है। और ये मिनरल्स हमारे ऑर्गन्स के लिए, बोन्स के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कैलरी में और फैट में भी हाई होता है, तो पीनट मिल्क को और कर्ड को मॉडरेशन में ही लेना है। विंटर सीजन में तो आप रोस्टेड पीनट्स खाते ही हैं, समर में पीनट्स को सोक करके खाएंगे या फिर मिल्क बनाएंगे या फिर आप कर्ड बनाएंगे इसका, तो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा, काफ़ी हेल्दी होगा। और आप इसे स्टोर कर सकते हैं 10 डेज के लिए फ्रिज के अंदर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।